तो हेलो गाइस, नए सेगमेंट में फिर से आप सबका स्वागत है। जैसे पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था स्पीड टेस्ट के बारे में, और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जब आप लोग स्पीड टेस्ट करते हो तो जनरली इंडिया में ओकला का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप लोग fast.com का इस्तेमाल करते हो तो वो जनरली बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई 2x 3x तक दिखा देता है, कभी कभी नहीं भी दिखाता है। मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने दिखाया है रियल में क्या है क्या नहीं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जब आप लोग अपलोड या डाउनलोड करते हो कोई भी फाइल्स को या फिर, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ किया, उसको मैंने यूट्यूब पे गया, जाके मैंने यहाँ पे जनरली सीधे तौर पे लिख दिया हाउ मच टाइम इट टेक्स टू अपलोड 100 MB वीडियो एट स्पीड ऑफ 10 Mbps। तो इसका मतलब है कितना टाइम लगता है 100 MB का जो भी डाटा है उसको अपलोड या डाउनलोड करने के लिए एट द स्पीड ऑफ 10 Mbps। जनरली गाइस सोच के देखो, अगर आपको 100 MB है और 10 Mbps की स्पीड है तो इसको जनरली सिर्फ 10 सेकेंड ही लगने वाले, करेक्ट। लेकिन अगर इसको हम सोचें तो हमको जनरली इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसकी वजह यहाँ पे मैंने सर्च किया और काफ़ी सारे यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है और ये देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। रिज़ल्ट फ्रॉम गूगल क्या दिखाता है, कैलकुलेट अपलोड टाइम एंड स्पीड फाइल डाउनलोड एंड अपलोड टाइम कैलकुलेटर। तो इस चीज़ को हम लोग अभी डायरेक्टली सोचेंगे, मतलब यूट्यूब तो एक सर्च इंजन है जहाँ पे वीडियो के माध्यम से लोग बोलेंगे ऑडियो के फॉर्म में और आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन बहुत सही चीज़ होता है वो है टेक्स्ट। मतलब सोचो, पिछले कई सदियों से, पिछले मतलब कई डेकेड से यही होता आया है कि जब भी स्मार्ट वर्क का कॉपी कर रहा हूँ लिखूँगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्पीड टेस्ट वाकई किया था और आप लोगों ने देखा है फास्ट का। तो यहाँ पे गाइस मैं कॉपी टेक्स्ट करूँगा, क्या मिलता है मुझे वो देख लेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट अपलोड टाइम, तो मैं कह रहा था जो भी हमारा, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल तौर से आ चुका है जिसको मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा। लेकिन मैं जो बोल रहा था वो था, मतलब काफ़ी हज़ारों करोड़ों लोगों ने इस चीज़ के ऊपर एनालाइज़ किया है और एनालाइज़ करके ये पता लगाया है और उस चीज़ को रिटन फॉर्म में यानी टेक्स्ट फॉर्म में गूगल पे अपलोड किए हुए हैं। तो ये जो लोगों ने अपलोड किया हुआ है, इन चीज़ों का आप पढ़ के समझ सकते हो बजाय जब कोई बोलता है तो, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा वीडियोज़ देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि समझते खुद के बेसिस पे और समझाते दूसरों के बेसिस पे। तो चलिए यहाँ पे हाउ फास्ट इज़ योर इंटरनेट स्पीड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सेट करता हूँ 10 Mbps, वैसे जनरली इतना ही है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है KBMBGB, तो यहाँ पे मैं 10 Mbps फॉर एग्जाम्पल डाल रहा हूँ। और इट्स द साइज ऑफ योर थिंग यू वॉन्ट टू अपलोड, तो यहाँ पे जनरली मैं, मान लीजिए मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब का, तो नॉर्मल बेसिस उसका साइज़ बड़ा भी होता है, कभी छोटा भी होता है। लेकिन नॉर्मल बेसिस पे समझने के लिए यहाँ पे मैंने 100 MB चूज़ किया है, 100 MB का ये वीडियो है। और मान लीजिए मैंने अगर 10 Mbps का प्लान लिया है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, तो यहाँ पे टोटल मेरे को कितना टाइम लग रहा है वो देखो, एक्यूरेटली 1 मिनट एंड 23 सेकेंड्स। इसको अगर हम मिनट्स में करें तो टोटल जो आपको टाइम लगने वाला है वो होगा आपका अबाउट 83 से 85 या फिर 90 सेकेंड्स के बीच में, यानी 1 सेकेंड में आपका 1 MB। और तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजिली ये चीज़ हो रही है। मतलब आपने सोच, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो, 10 Mbps है करेक्ट, और आप जो डाउनलोड करने वाले हो वो उसकी वैल्यू 100 है। तो अगर हर सेकेंड को आप 10 सेकेंड्स दोगे तो एट द अप्रॉक्सीमेटली जो आपका डाउनलोड स्पीड है वो आपको 10 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। सोचो 10 सेकेंड्स में, पर यहाँ पे आपको कितना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 83 सेकेंड्स दिखा रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसी को समझने के लिए मैं आपको अभी समझाऊंगा एकदम एक्यूरेटली बिना किसी कन्फ्यूजन के, बहुत खुले तौर से समझ लेना। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है MBPS। गाइज ये सब कुछ नहीं वर्डिंग का है, जनरली जब मैं स्कूल में था तब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करके मैंने इस चीज़ को समझा, इसीलिए मेरे को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आती। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज़र है जिनको प्रॉब्लम आ जाती है इस चीज़ को, और ये मेरे दिमाग में भी आया था कि अगर 10 MB की स्पीड है और यहाँ पे 100 MB अगर देखते तो कितने टाइम में वो अपलोड होगा। तो गाइज MBPS देखने को मिलता है, ये है MB/s। देखिए MB और MB, ये दो शब्द है गाइज, मेगाबाइट्स और मेगाबिट्स दोनों अलग अलग शब्द है। तो यहाँ पे आप देखेंगे MB यानी MB, और यहाँ पे एक और देखने को मिलता है MB/s। PS तो हमेशा स्मॉल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस साफ तौर पे बता दूंगा MBPS MB। तो गाइज यहाँ पे मैंने सीधे तौर पे MB/MB कर दिया। तो यहाँ पे आप जनरली गूगल क्या कहता है उसको भी पढ़ सकते हो, बोथ मेगाबिट्स एंड मेगाबाइट्स। देखिए इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वैसे मैं डबल बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, एक बार पढ़ के आप लोग देख लो।
तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करके दिखाता हूँ कि एक एमबी या एक कितना होता है, एक एमबी वर्सेस मतलब एक एमबी में कितने बाइट्स होते हैं। एग्जैक्टली दिस इज़ द थिंग। जब भी आप को देखते हो 1 M capital B small तो उसको आप हमेशा इजिक्वल्स टू इंटू करना 1/8 M capital N small को लेकर, यानी एक एमबी अगर आप लोग लोगे तो 0.125 capital MB वाला हो जाता है। देखिए आपके सामने ये चीज़ दिखाई गई है, 8 megabits इज इक्वल्स टू 1 megabyte, और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है 1/8 करने से। तो यहाँ पे आपके पास जो भी डाटा है, कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया था 100 MB का आपका वीडियो है, आपका फोटो है या कुछ भी है, अगर आपको पता करना है कि कितने टाइम में वो होगा तो 1/8 आप लोग उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें जो जनरली मैं मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूँ तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन सिंपल फॉर्म में 0.125 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इस चीज़ को पता करते हैं, 0.125। तो पिछली बार मेरे को जो 100 टाइम लगा था उसकी वैल्यू मेरे को कितनी लगी थी, जैसे कि मैंने कहा था 10 Mbps की सेकंड्स, और यहाँ पे देख सकते हो 1.25। अभी एक्चुअल में 1.25 क्या है, मैं समझाता हूँ। जो 1 है वो 1 मिनट है और 25 वो सेकंड्स है। तो पिछली बार भी यही सेम चीज़ देखने को मिली है। तो एक्यूरेटली ये दरअसल नोटेशन और वर्ड्स और ये जो फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, दरअसल इन्हें यूनिट्स कहते हैं, और ये आपको कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलता है। तो गाइस मैंने जो आपको सिंपल तौर में बताया था मेगा बाइट्स और बिट्स, इसका बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है। एक्यूरेटली इसी चीज़ को अगर आप समझो तो हम यही समझे कि 1 megabyte इज इक्वल्स टू 1 megabits, ऐसा कभी नहीं होता। तो पता ही क्यों होता है, जब आप लोग मान लीजिए 100 MB का फाइल अगर आप डाउनलोड करोगे और आपकी स्पीड अगर 100 Mbps है, तो ज़रूरी नहीं कि 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, उसके लिए उतना टाइम लगेगा जितना टाइम आपको 0.125 से मल्टीप्लाई करके टाइम होता है। और इस चीज़ को समझने के लिए सामने आपको एक, जैसे कि मैंने कहा था लोगों ने लिख के इस चीज़ को समझाया, तो यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पे सिंपल तौर में दिखाया है, यहाँ पे आपके पास 2 सर्विस प्रोवाइडर है, एक सर्विस प्रोवाइडर ए और एक बी। जो ए है वो आपको 8 Mbps देता है, और सेम दूसरा 8 Mbps देता है, लेकिन 1 megabits देता है, 1 megabytes देता है। हमेशा समझना, मेगा जो बाइट्स होता है वो छोटा होता है, और मेगा बिट्स होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऊपर आपको ये मैंने दिखाया है कि किस तरीके से ये मैटर करता है या नहीं करता, इस चीज़ को सोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मेगा बिट्स है वो हमेशा बड़ा रहेगा, और मेगा बाइट हमेशा छोटा है, मतलब 8 इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो इस चीज़ को समझो आप, यहाँ पे मेगा बाइट है वो बड़ा है, मतलब बड़ा बी, और वो हमेशा होगा छोटा। तो मेगा बाइट 1 होगा और मेगा बिट्स होगा 8, यानी मान लीजिए आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको 1 megabyte दे रहा है, बाइट दे रहा है, वो मेगा बिट्स नहीं देता, वो मेगा बाइट्स देता है। यानी अगर वो आपको 10 Mbps की स्पीड देता है, तो ऐसे में अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो वो तकरीबन ऐसे में 8 megabits की फाइल डाउनलोड कर रहा होगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह से काम करता है। थोड़ा सुनने में कन्फ्यूजन लग रहा है, पर इतना कन्फ्यूजिंग है नहीं। इस चीज़ को सिंपल तौर से समझ लो, इस आर्टिकल को पढ़ लो। यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर बी है, जो कि 8 M capital B प्रोवाइड कर रहा है, वो इस इक्वल्स टू है 64 M capital B small P small वाले के साथ, यानी 8 times फास्टर है सर्विस ए से। यानी हमेशा सोचो, जो कैपिटल एम या कैपिटल बी है वो ज़्यादा स्पीड देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 8 गुना से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 8 MB की बात करेंगे तो दूसरे 64 MB हो जाएगा, यानी अगर आप लोग कैपिटल लेते हो तो उसकी वैल्यू 64 Mbps हो जाएगी। एक्चुअल में ये इस दुनिया में क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया है तो मैं कहूँगा लाइक करना, नहीं समझे तो फिर से एक और बार देखना, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही आपको समझ में आएगा आपको कितना फाइल, कितना डाटा, कितना यहाँ पे जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हो, कितना टाइम लगता है। ये एक्चुअल में आपके टाइम को रिलायबल करता है चीज़ें, क्योंकि जब आप मान लीजिए 8 Mbps देखेंगे तो 1 सेकंड में इतना MB डाउनलोड हो जाएगा, उतने में जो कि 8 Mbps वहाँ पे आपको डाउनलोड हो सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। एक और बार इस वीडियो को ज़रूर देखना और समझना, और हाँ, पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, और मेरे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें समझा दूंगा कितने जल्दी आप लोग कौन सा प्लान लोगे तो कितना टाइम आपको नहीं लगेगा उस चीज़ को रिलायबल करके बाईपास करने के लिए।